ये दोस्तों ये बनाए थे और इसीलिए जो रात के खेल चल रहा था ये बना लिए। और इंद्र भाई टेस्ट करके बताएंगे, इंद्र भाई को लग गया एक्चुअली। अब भाई अच्छा हाँ। बनाया, बहुत अच्छा बना। अच्छा अच्छा इंद्र भाई ने टेस्ट किया। हेलो दोस्तों, आज हम आपको हमारे, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ की नाइट सीन दिखाऊंगा कैसे लगता है। और ये जो है मेरे दोस्त की गाड़ी है, लेकर आया है, हम लोग जा रहे हैं। बैठूंगा मैं, फिर हम निकलेंगे कुछ लेने के लिए। एक्चुअली हम लोग आज चिकन बनाएंगे, लेकिन चिकन बनाने के लिए मिर्च नहीं है घर में, तो मिर्च बनाने के लिए हम लोग जाएंगे बोर सिटी नोएडा। और मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग है और गिम्बल इतना चलाना नहीं आता है मुझे, और देखते हैं जो भी हो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं हमारे दोस्त, एक मिनट मुझे दीजिए बस। हमारे गली में कुत्ते बहुत हैं। मेरे जो दोस्त है वो गिटारिस्ट है और वो अभी कुछ गाएगा, गाना गाने की ख्वाहिश करा जाए आप लोग के लिए, कुछ गाएगा वो। बिना गिटार के कैसे गाएंगे भाई? बिना गिटार के गाने के लिए मना कर रहे, क्योंकि सुबह भी है, उसका भी जो है जॉब जो है नाइट ड्यूटी होता है, US के कॉरपोरेशन में काम करते हैं वो, तो इसलिए अब तो नहीं गा पाएंगे भाई, बोल दिए शायद। लेकिन हम घर पहुँचने के बाद चिकन बनाते बनाते जरूर आपको सुनाएंगे गाना। बिल्कुल। और ये भाई इंद्र भाई, PCR का कोई प्रॉब्लम नहीं है? मास्क लगा था ना बस, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं हमारे यहाँ पे रात को लॉकडाउन है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ के लिए है ये? कहाँ कहाँ के लिए क्या ये लॉकडाउन वगैरह, कहाँ के लिए? हमारे UP में भी तो है, अब पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है। दिल्ली में? दिल्ली में भी नहीं है। अच्छा, देखिए गाइस ये सब है, यहाँ पे एक अपार्टमेंट बन रहा है जो पहले की गंदगी रहता था, यहाँ पे डस्टबिन टाइप कूड़े वगैरह फेंका जाता, राइट, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे अपार्टमेंट बनता है। और ये आ गया हमारा NH आने ही वाला है, NH 24, राइट ये, राइट। और इसी रोड में इंद्र भाई हमें काफ़ी टाइम कार भी सिखाए हैं, मज़ा आता है यहाँ की, अलग ही बात है। अब यहाँ पे ये जो है आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये नहीं था कुछ महीनों पहले, और हमें बहुत दिक्कत होती है कभी कभी यू टर्न लेने के लिए, है ना। हमें सीधे इंद्र भाई के घर यहाँ पे है तो उनको क्या करना पड़ता, मैं जो है सीधे चले जाता था, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है, घूम के जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। आपको इंद्र भाई ऐसे बताओ, ये फ्लाईओवर होने के बाद आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया। तो और क्या मतलब, क्या प्रोज है और क्या कौन से, मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है बताओगे? दिल के बाद बताना। दिल के बाद है भाई, कौन तो कुछ भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। सबसे पहले प्रोज की बात करेंगे। हाँ, तो मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जॉब करते हुए लगभग 9 साल हो गए हैं। हाँ, तो बात करते हैं आज से लगभग 4-5-6 साल पहले की बात। अच्छा,
तो 5-6 साल पहले क्या था कि आप ये देख रहे होंगे कि क्या ये सड़क के बीच में, मतलब जहाँ तक सड़क बनी है उसके बाद छोटा सा एरिया जो पानी निकासी के लिए होता है, हाँ, है ना, हाँ। तो लगभग 4-5 साल तक मैं अपनी बाइक से उस वहाँ से चल के जाया करता था अपने ऑफिस में। क्यों? क्योंकि हमेशा जाम मिलता था NS24 पे। अच्छा जी। यस, 86 तक ऐसे ही जाम मिलता था। ये तो बात सही कह रहे हो, ये तो बात सही कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कितने साल तो हमने उस क्या कहते हैं पानी वाली नाली में बाइक निकाल के लेके गए रेगुलर डेली। अच्छा, यही होता था क्योंकि पीक टाइम पे हम लोग ऑफिस जाते थे, पीक टाइम पे बहुत रश होता था। हाँ हाँ हाँ। बाकी दिन में कभी, वरना 6RC है थोड़ा सा यहाँ से आगे, तो 6RC पे तो हमेशा जाम मिलता था। और कोई बारिश वारिश हो जाए या कोई तीज त्योहार हो तो बहुत लंबा लंबा जाम लगता था। अच्छा अच्छा। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये तो सबसे बड़ा। और थोड़ा सा जैसे ये लोकल कॉलोनी है तो एक रौनक हो गई है यहाँ पे, लाइट वाइट लगी हुई है, सड़क दी। अच्छा जी। हाँ, फील होता है। हाँ, ये जो लाइट वगैरह है, राइट राइट, सही कह रहा हूँ। समवेयर लग्जरी प्लेसेस और तो ये सारी चीजें हैं। ये तो बात सही कह रहा हूँ। तो एक मतलब एक संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। पहले कभी दिमाग में आता था कि यहाँ से जाएंगे, लेकिन अब अच्छा लगता है, फील गुड। Okay, we have another option to purchase some spice. We have some dhabas here. Okay, yeah. So we can. From dhabas also we can get it. Yeah, yeah. We can take. If we did not find it from 24/7, then we can have an option. Okay. See guys. This guy is one of this friend is very, you know, Indra is so talented. You know, he's just getting, you know, smart choice. If we are not getting from the shop, then definitely we'll go to the dhaba. Yeah, and definitely we'll request, right? Yeah, we'll sure, request sure. them. They will give, right? By definitely view. They will. Yeah, they will. But we'll make chicken today, yeah. Right? Yeah, sure. Okay. Definitely. Yes. When we have plan, then we definitely execute it. Pakka. तो देखते हैं पहले 24/7 में मिल रहा है कि नहीं। 24/7 चलते हैं, नहीं मिलता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम चलेंगे बस हम परचेज कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही लेके आएंगे। और अगर हमारे शंकर ढाबा खुला होता तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधे वहीं जाते। सही कह रहे हैं आप ना। वो अब एक्चुअली शंकर ढाबा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हम लोग हमेशा मतलब हफ्ते में 2-3 बार, राइट, मोस्टली 2-3 बार जो है हम लोग रात को क्या करते थे, मेरा भी रात को काम है, मैं आपको मैं बताऊँ जो है, मैं रात को बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूएस के स्टूडेंट्स को। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है हम बोर हो जाते थे, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अपने आपको रिलैक्स करने के लिए हम लोग शंकर ढाबा बोल के एक है, एक्चुअली वो ढाबा नहीं है, एक्चुअली स्ट्रीट फूड है, लेकिन सिर्फ जो रात को काम करते हैं ना, जो मतलब नाइट शिफ्ट होता है उन लोगों के लिए स्पेशल, उन लोगों ने शायद नोएडा अथॉरिटी से उन्होंने परमिशन, स्पेशल परमिशन लेके रात को जो है वो बनाते हैं। और मैं बताऊं दोस्तों उन लोगों की खाना, उनकी खाना एक बार खाओगे ना आपको नींद नहीं आएगा, कहने का मतलब कि आप खुश हो जाओगे, मजा आ जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और हम हालांकि उसमें बहुत सारे ढाबा थे, राइट, लेकिन वी हैव मेनी ऑप्शंस देयर, बट एक ही जगह पे जाते थे, बट शंकर ढाबा, राइट। और उन बंदे भी ले आते थे यार, कार में ले आते थे, राइट, बहुत रॉयल फील कराते हैं वो आपको गाड़ी में, आपसे ऑर्डर लेंगे, देन यू कैन टेक, you can have it, you can take away, so we have many options. Indian food hai wahan pe, Indian mein bhi, fir uske baad Chinese food hai, aap South Indian food bhi mil jata hai wahan par, theek hai, chai ki tapri bhi hai, cigarette wagaira sab kuch, we did not take cigarettes, yes. But we know matlab ye jo mil sakta hai, matlab aapko matlab ki night life thoda bahut India ke अच्छी नाइट लाइफ, मतलब पॉजिटिव नाइट लाइफ आप ले सकते हैं। और ये तो एक लोकल बहुत छोटा सा एरिया है, तो ये सब सुविधाएं हमारे ये कहाँ पे, एक ये नोएडा सेक्टर 58, नोएडा सेक्टर 58, ये सब हम जैसे रात के शैतान जो हैं उनके लिए है। यदि कभी आपको नोएडा आना हो, कभी रहेंगे रात को, मान के चलेगी कहीं घूमने आगे, या तो नोएडा के आप कभी ट्राई नहीं किए, गाजियाबाद से हैं हमारे तेरे आप लोग, तो यदि आपको ट्राई करना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट, एक बार तो ट्राई करना चाहिए। और फिर जरूर जो है मुझे कमेंट में बताइए कि ये शंकर ढाबा या जो ये 58 में जो नाइट स्ट्रीट फूड्स है वो आपको कैसे लग रहा है। ड्यू टू लॉकडाउन इट हैज शट नाउ, जैसे ही खुलेगा तो वी कैन एक्सप्लोर इट, यस, वी विल गो वन, वी विल टेक अनदर वीडियो फ्रॉम शंकर ढाबा, ओके, यस यस, सी आई विल शो यू दिस साइड, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा, लेफ्ट साइड भी दिखाता हूँ, देखिए गाइस,
see what we have. X-ray apartment. This is the apartment. This is the Great Noida. Actually, this is the Gaur City, right? This is Gaur City. And this is a nice society. This is one of the best society in Noida and Great Noida. In India also. Yeah, in India also. See, brother is saying, in India also. ये एक खासियत है यहाँ के नोएडा की। और यहाँ पे शायद 24/7 जो है यहाँ पे कहीं पे पास में ही है, हम लोग पहुँच ही गए, हम लोग यहीं पे ही आए हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे जो बॉर्डर है, हमारी जो हम जहाँ पे रह रहे हैं एक्चुअली वो गाजियाबाद है, लेकिन यहाँ पे 2-3 किलोमीटर, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर, राइट? हाँ। इंद्र भाई के लिए तो 2 किलोमीटर होगा, मेरे लिए शायद 3 किलोमीटर भी नहीं है, 400-500 मीटर। हाँ, तो ये नोएडा, ग्रेट नोएडा। और ये पाम ये देखें, it's a nice place, really nice place. You can, you know, agar lockdown nahi hai to 24/7 khula hona chahiye. Okay. Yadi ha yahan pe ticket node pe lockdown nahi hoga, yahan pe yadi yahan pe ye guidelines yadi sahi se rules palan kar rahe hai, ya to special permission hoga un logo ke liye, to definitely mil jayega, nahi to fir jugad karenge aur kya. Nahi to jugad to hai, hum jahan last time humne ek jagah parathe khaye the, bas to we can have. मेरा फ्रेंड भी है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, उसका घर यहीं है। अच्छा, रहता है? हाँ, सही है। ओके, फ्लैट है उसका। ओके, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है। 11th एवेन्यू, दिस इज 10th एवेन्यू। Yes, this is Gaur City. Oh, yeah. This is the Gaur City, 11th Sanskrit Vihar, Sanskriti Vihar. This is Sanskriti Vihar. This is 11th Avenue. Yes, this is 11th. This is 24/7, I think it is closed. Okay, due to lockdown process, I think we have to go. Yeah, it's closed. See, actually this side, no problem. So, we have only one option left. Yeah. Lekin hum khayenge zarur achi ka na? Yes. भाई बनाएंगे आज, या तो दोनों मिलके बनाएंगे, जैसे दोनों मिलके बनाएंगे भाई, दोनों मिलके बनाएंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे कि गालियां अकेले नहीं खाऊंगा। हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे लग रहा है। हां, गाली अकेले नहीं खाऊंगा, दोनों मिलके बनाएंगे। पक्का भाई, पक्का। एक दूसरे को गाली देंगे कि क्या भाई आज बनाया है। हां, सही है। बहुत ही गॉड स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल हो रहा है। दिस इज द मंथन स्कूल, मंथन स्कूल है। और इसके लेफ्ट साइड में हमारे गौर स्कूल, गौर इंटरनेशनल स्कूल, दैट इज, कैन यू सी दैट? मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ना, मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी गौर सिटी टू है। एंड है ना, डिफरेंट ये भी है ना, यहाँ पे क्या है, अपार्टमेंट्स, क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, गौर सिटी हो गया, और क्या है, गैलेक्सी, क्या क्या है ना, वो अलग अलग बिल्डर्स हैं। हाँ, बिल्डर्स, डिफरेंट बिल्डर्स हैं। और मतलब भाई साहब, इतना तो पता नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी हो सके तो मैं आपको कमेंट्स में लिख दूंगा, या तो बताऊंगा क्या क्या कहते हैं। और आप भी ज़रूर बताइए कि जो एक सोसाइटी होता है, डिफरेंट बिल्डर्स मिलके करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। एंड सीखेंगे, मिलके सीखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, आपको कुछ पता है तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि मैंने जो बता नहीं पाया दूसरों को समझ में आए। लेकिन ऐसे में ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और मैं ब्लॉग तो ट्राई किया था बहुत बार, लेकिन आज मैंने इंद्र भाई को बोला कि भाई आज फर्स्ट ब्लॉग करेंगे, राइट इंद्र भाई? यस। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और आप बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसा है, और मुझे क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये मेरा गिम्बल है, मैं गिम्बल ले रखा हूँ मजा मैंने MX, और मेरा आईफोन 12 में मैं जो है इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। और आप ज़रूर बताइएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम। और मैं कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियो जैक है 12 में है ही नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि आईपॉड है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही करूँ। और यदि आवाज़ क्वालिटी सही नहीं है तो ज़रूर बताइएगा दोस्त। और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही चीज़ ऐसे लाते रहूँगा जो मेरे लाइफ में होता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद,
और म्यूजिक के म्यूजिक हम लोग यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं ना, ये इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे हम आते हैं सीएनजी वगैरह भरने के लिए इंद्र भाई के कॉर्नर में। और दुआ करिए दोस्तों तो हम भी एक दिन भरने आ जाए जल्दी। हाँ इंद्र भाई, हाँ बिल्कुल है ना, आप लोग की दुआ रहा तो डेफिनेटली बहुत जल्द जो है और हम आपको और ज़्यादा दिखा सकते हैं। और बहुत देन वी हैव मोर ऑप्शंस टू ट्रैवल एक्सप्लोर, सो यस नोएडा को दिखाएंगे, डिफरेंट जगह पे जाएंगे जब गाड़ी आ जाएगी हमारी तो जितने भी लोकल हैं एरिया तो बहुत सारी जगह हमने सोचा है हम लोगों ने एक्सप्लोर करेंगे और आपको बस दिखाएंगे। और मोस्टली यार हम तो नाइट लाइफ भी दिखा सकते हैं जो भी मतलब अच्छी नाइट लाइफ दिखाएंगे, मतलब जो कि मतलब अच्छी रात को अगर भूख लग जाए कहाँ पे करें कहाँ जाएंगे। अब वी हैव मेनी ऑप्शंस तो क्यों इतना काफी साल हो गए हैं मुझको नाइट में जॉब करते हुए। बस अब तो लॉकडाउन पहले तो आप जाते थे ना, तो वही है तो लॉकडाउन की वजह से चीजें थोड़ा सा मतलब हमारे एक्सेस से दूर हो गई हैं और कुछ चीजें बंद हो गई हैं, कुछ चल रहे हैं तो ये वरना आपका जो खाने का मन करे नोएडा में आपको वो मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा शाम को भी दिखाएंगे, एक जगह है हमारे मतलब एक आस के आस पास है एक एरिया है मतलब जो कि मतलब अच्छी सोसाइटी भी है वहाँ पे, वो इंदिरापुरम है ना, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी खाना मिलता है, बहुत डिलीशियस खाना मिलता है, बहुत टेस्टी, और वहाँ पे भी एक दिन आपको ले जाएंगे हम, आपको शाम को या सुबह या रात को दिखा सकते हैं और कभी कभी दिन का भी दिखाएंगे डेफिनेटली, इसलिए जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना, डेफिनेटली दिखाएंगे आपका जितना सपोर्ट है हमारे दर्शकों का जितना सपोर्ट मिलेगा उतनी चीज अच्छी। बस क्या है कि अब हम रुकने वाले नहीं है। क्या बात है, सही कह रहे हम रुकेंगे नहीं, देख रहे हो इंद्र भाई क्या बात बोली, सुबह सुबह बात बोल दी और भाई साहब मजा आ गया। और देखो आप कितने बजे देख रहे हो हमें नहीं पता, सुबह देख रहे होंगे, दोपहर को देख रहे हो, रात को देख रहे होंगे है ना, बोर होंगे भाई साहब देख रहे हो ना, हम शुरुआत करें दिस इज आवर फर्स्ट ब्लॉग, हमें नहीं पता क्या होने वाला है लेकिन इंद्र भाई ने बोल दिया तो स्टॉप नहीं करेंगे, तो स्टॉप नहीं करेंगे जो होगा दिखा जाएगा। बस आप लोग की दुआ सपोर्ट आए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और है ना कि ऐसे नए लोगों को हम लोग जैसे जो नए लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं सीखने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को एक हौसला मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके राइट, ताकि और भी लोग करें काम करें, अपने देश को दिखाएं, अपने बारे में दिखाएं, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जानें, है कि नहीं। थोड़ा सा इस वीडियो को डालने का, इस चैनल को बनाने का हमारा एक संकल्प समझ लो या कुछ भी कर लो, एक सोच है इस चीज़ के पीछे कि मतलब हम जो भी चीज़ YouTube पर डालेंगे वो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, है ना, बस वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसा बनावटी हम नहीं करेंगे, जैसा एक नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल हम लोग जाते हैं खाते हैं पीते हैं सोचते हैं, ठीक है एक नॉर्मल आदमी, ताकि आप रिलेट कर सको हमसे, अपने आप को सोच सको कि हाँ रियल में ऐसा ही होता है, हम अपने दोस्तों के साथ वी आर गुड फ्रेंड, हम लगभग 4-5 साल हो गए हम लोग साथ हैं, इनिशियली थिंग्स वर नॉट गुड एज यू नो, हम लोग को तो काफी टाइम हो गया, 3-4 साल से ज्यादा, हाँ 3-4 साल ही, 5 साल का काइंड ऑफ 5 इयर्स, हाँ यार 5 इयर्स की रिलेशन है हम लोग, एक्चुअली मतलब प्रोफेशनली काइंड ऑफ प्रोफेशनली कह सकते हैं आप, हम लोग म्यूजिशियन ही है और हम गिटार पियानो वगैरह बजाते हैं, मैं पियानिस्ट मोस्टली पियानो को हैंडल करता हूँ, हम लोग साथ में काम भी किए और डिफरेंट मतलब डिफरेंट जगह में जो है हम लोग जाके काम किए, क्या काम कर रहे हैं साथ, कर रहे हैं हाँ साथ में, मिलना जुलना नहीं, लॉकडाउन से पहले किए हैं तभी मैं बोल रहा हूँ, तो वही सब है। और अब जो है दोस्तों हम पहुँच गए, बट दुख की बात ये है कि हमको मिला नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंद्र भाई ऐसे ही बनाएंगे राइट, अब कुछ कर नहीं दोस्तों, सबसे आज की सबसे आपको सही बात बताऊं तो मतलब एक ऐसा जो आपको शायद हो सकता है चंबा लगे, मेरा घर यहाँ बराबर में ही है, अभी निकल के गया है, मैं ये मिर्च अपने घर से भी ला सकता हूँ, लेकिन नहीं हमको जाना था आपको दिखाना था, हमको बाहर से लेके आनी है, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वी हैव ऑप्शंस राइट, है ना, घर के अलावा, वरना तो जब घर में तो मिल जाते हैं, घर में तो जाएंगे ही हम, तो सबसे बड़ी बात है मैं घर से लेने जाना चाहता हूँ, पापा को बिना बताया देख रहे भाई साहब हम लोग को वैसे ही करना पड़ रहा है, देख रहे हो ना, तो इसलिए इसी बात पे भाई के इसी बात पे ना लाइक जरूर बनता है भाई, ठीक है ना, रात को आए हम लोग, देखो हम बड़े हो गए हैं, सब कुछ है, बस सारी चीजें हैं, लेकिन माँ बाप माँ बाप है ना, हाँ माँ बाप तो रहेंगे, रहना भी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट है, बोलना भी चाहिए, तो वो जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा बच के हर चीज़
पाते हैं, आज भी बहुत सारे काम उनसे छुपा के करने पड़ते हैं हमको। बस 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 थोड़ा मजा भी आती है, डर भी होती है, जितना मजा आता है उतना डर भी लगता है। हम लोग 62 जा रहे हैं शायद। या है। अच्छा। पराठा देर लास्ट है। अच्छा अच्छा एक जगह पे यहाँ पे मतलब दिन में पता नहीं यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है पता नहीं यहाँ तो जो जो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं ना उन लोगों के लिए शायद ये जो गवर्नमेंट जो है इन्होंने अलाउ कर रखे हैं। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कि एक बार हम लोग पराठा भी खाए थे क्योंकि वहाँ पे सेक्टर 58 वाला मिला नहीं था हम लोग को, हमें पता था कि बंद था। हम लोग गए थे, गए भी थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग वो भी दिखाएंगे कभी, खुलेगा तो जरूर जाएंगे। और इस बार ये सेक्टर 62 है और यहाँ से हम लोग को मेट्रो मिल जाता है, राइट? यहाँ से हाँ 62 है सर, वहाँ से पिंक सिटी वहीं से ही, जो मतलब उसके बगल में तो ये राइट ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी। दोस्तों देखो ऐसी ऐसी है हमारी, मैं जहाँ पे रहता हूँ ऐसा एरिया है, यदि बताइएगा जरूर, है ना, मेरी एडिटिंग पे भी बताइएगा, मैं बहुत सारी चीज़ काट दूंगा, बहुत सारी चीज़ जो है आगे पीछे करूंगा और पूरे नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत मिनट का हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे मतलब और क्या एडिटिंग करना चाहिए, एडिटिंग का टिप्स, या आप दूसरों से भी देखते हैं कि दूसरों का और मेरे में मतलब क्या मतलब फ़र्क होना चाहिए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा और जो है आप ज़रूर बताइए मुझे, है ना? बिल्कुल, तभी तो सीखेंगे। फीडबैक बहुत एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती कि है हम कितना सही हैं और कितना गलत है, तो वो मिलता रहना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों ये हिंदू है, यहाँ पे वो भी तो है BMW का शोरूम भी, राइट? ये अल्टीमेट उत्तम टोयोटा शोरूम, उत्तम टोयोटा मैंने शोरूम मारुति सुजुकी ने मोस्टली जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों आपको BMW का शोरूम एक है और उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक चला गया वो और हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी देख रहे हैं आप बोर्ड में, ये जो बोर्ड में आपको दिखाता हूँ देखो दोस्त, ये सेकेंड ऑप्शन, ये दिखाता हूँ, देखिए बसेस वगैरह 62 है, सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, ये जो हमारे मेट्रो की मेट्रो लाइन लगी हुई है। देखो इंद्र भाई चले गए अंदर, देखो बिल्कुल क्या क्या मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कर रहे हो? नहीं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग आप आएंगे बोले तो YouTube के लिए भी आएंगे यहाँ पे आके। भाई भाई, हाँ जी, चाय लोगे? चाय ले लेते, चलो चाय भी पिला दो भाई। बताइए आप यहाँ पे क्या क्या मिलता है, बताइए सब कुछ है खाने पीने के लिए, पराठा, चाय, मैगी, ऑमलेट, हाँ हाँ, और क्या बोलते हैं मैगी वगैरह सब कुछ, चाय, कोल्ड ड्रिंक, बहुत बढ़िया, ए टू जेड बहुत बढ़िया, खाने पीने की फुल फैसिलिटी है सारे फैमिली वाले के लिए, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैवल्स कर लिए कोई डिस्टर्बिंग नहीं, ठीक है, थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गौरव भाई है, और जरूर आइए तो जरूर मिलिएगा, इनके लिए जरूर लाइक बनता है, एक जरूर लाइक बनाइएगा। एक भाई को एक्चुअली कुछ मदद चाहिए तो उनको इंद्र भाई जो है थोड़ा पेटीएम करा रहे हैं, आ रहे, वो भी आ रहे, वो रहा आ रहे, आ रहे, वो भी आ ही रहे, और भाई भाई हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, रिक्वेस्ट किए तो इंद्र भाई कर रहे। देखो दी रात को है, कोई किसी को ज़रूरत पड़े तो कर देना चाहिए, हेल्प है तो होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है हम खाते हैं, हम लोग पिछले बार आए थे पराठा, देखो जी कैसे फ्रेश बनाते, बिल्कुल फ्रेश बनाओ खाओ, बनाओ खाओ भाई, यही देखो गौरव भाई इधर भी है, गौरव भाई इधर भी है, बनाओ खाओ भाई, बनाओ खाओ, बनवाओ खाओ। दोस्तों ये जो देख रहे होंगे ना, ये जो आगे से दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे जो है ये जो दिल्ली किसानों का जो हुआ था ना वहाँ पर बंद कर दिए थे,
यहाँ पे ये 62 है और बहुत अच्छी जगह प्लेस अच्छी प्लेस है और मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ऐसे है देख सकते हैं आप, हम लोग क्या लाए इसके लिए जो है रात भर घूम रहे, क्या है इसके अंदर चिली है, ये कुछ नहीं, सोचिएगा मत कि हम लोग कोई दारू सिगरेट या कोई ऐसी वैसी काम के लिए आए हैं, हम लोग आए हैं बस ये मिर्च के लिए। अब मिर्च मिल गया हमें, हम बनाएंगे चिकन, देख रहे हैं ना, ये दिल्ली जाने के लिए ब्लॉक हुआ था, ये जो किसानों का था ना वहाँ पर हो गया, हम बनाएंगे फ्राइड चिकन। देखो ये रस्ता है, हमें मिल गया मिर्च और हम बनाने की कोशिश करेंगे। मिर्च भी ऐसे मिला है कि वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ वाला, और मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दिए उन्होंने, वो भी सोच रहे थे भैया ये तो ख़राब जैसे मिर्ची है, मतलब काइंड ऑफ कि इसको क्यों ले जाएंगे राइट, लेकिन उन्होंने दिए, हमें तो चाहिए था क्योंकि इंद्र भाई बता रहे थे कि थोड़ा बहुत मिर्च होना, मुझे तो चल जाता लेकिन इंद्र भाई बोल रहे थे थोड़ा बहुत मिर्च होगा तो फील ही कुछ अलग होगा, तो दोनों को मज़ा आएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ये किया। एक तो इंद्र भाई मुझे ना गिम्बल चलाना नहीं आया, कैसे करा जाए, एक दोस्तों गिम्बल चलाना नहीं आ रही, फर्स्ट ब्लॉग है, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग वगैरह करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कुछ अच्छा ही क्वालिटी, मतलब कंटेंट दिखाऊँगा। एक तो ये आगे पीछे हो जाता है, एक तो लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाता है, सबसे शर्मनाक बात ये हुई है इसमें क्या क्या डाले हैं, पूरे जहान में मिर्च ढूंढ रहे हैं, हमारे घर में मिर्च थी हाँ मिर्च हमारे पास ही था एक्चुअली, मुझे नहीं पता था। और ये बताओ ये जो है इसमें दही अंडा और बेसन मिर्च भी है, बेसन नमक स्वादानुसार और काली मिर्ची धनिया पाउडर गरम मसाला मीट मसाला सब डाल दिया, फर्स्ट टाइम बना रहे भैया हम चलो भैया टेस्ट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। अभी हमारे दोस्त बना रहे हो गया, हमारा चिकन तैयार है, आ तेरी और लेट्स पहले डाल दिया भाई हमारे भाई लोगों, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, कोई नहीं अच्छा ही बनेगा। मैं बड़ी मेहनत की है, ये मिक्स की है, एक एक करके डालते रहेंगे, वाह खाएंगे और आपको बताएंगे। ये जो ये लिया ये डाल दिया, और भाई हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, हम हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसको हम तलने देर के लिए तलने देंगे ना, पहली बार बनाए कैसे लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तो जल जाएगा सरसों के तेल, सरसों का तेल है ना, ये बता रहा है कि सरसों का तेल अच्छी क्वालिटी का है हमारे पास, अच्छा सही है। तो अभी क्या कर रहे थे, अभी थोड़ी देर के ब्रेक, ये दोस्तों ये बनाए थे और इसीलिए जो रात के खेल चल रहा था ये बना लिए, और इंद्र भाई टेस्ट करके बताएंगे, इंद्र भाई को लग गया एक्चुअली,
अब भाई अच्छा बना है, बहुत मेहनत अच्छा बना। अच्छा अच्छा इंद्र भाई ने टेस्ट किए और बोले कि बहुत ज़्यादा मेहनत रंग लाएगा, और हम लोग इतने दूर गए थे उसका देख रहे भाई साहब। ये थोड़ा सा एक छोटा सा नींबू था घर में फ्रिज में, और ये जो है अब प्याज है। देखो दोस्तों देखो लग गया इंद्र भाई को, इसलिए लग गया देखो लग गया है। और वो कोई नहीं है नहीं, बैंडेज वगैरह कहाँ है, तो ये सब जो है चलता है।